नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल विजुअल क्लास यूट्यूब चैनल पर। स्टूडियो में देखने वाले हैं 2 सितंबर की करंट वीडियो को, तो फटाफट वीडियो को आगे बढ़ने से पहले लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन के साथ, ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले, किसी वीडियो को आप मिस ना करें। चलिए शुरू करते हैं आज के 891 नंबर करंट वीडियो को क्वेश्चन 1 के साथ। क्वेश्चन 1, हु हैज़ विन द गोल्ड मेडल इन द मेन्स जेवलिन थ्रो F-64 फाइनल इवेंट एट द टोक्यो पैरा ओलंपिक्स। जो टोक्यो पैरा ओलंपिक है उसमें पुरुषों की भाला फेंक जो F-64 फाइनल स्पर्धा है, उसमें किसने स्वर्ण पदक जीता, तो किसने, तो वह सुमित अंकतिल ने। राइट आंसर क्या होगा, ए सुमित ने, जो कि क्या है एक पैर से वो थोड़े क्या है कमज़ोर है, उनका एक पैर नहीं है। भारत के सुमित अंकतिल, उन्होंने टोक्यो जो पैरा ओलंपिक है उसमें पुरुषों की भाला फेंक F-64 फाइनल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने क्या 68.55 मीटर थ्रो का नया विश्व रिकॉर्ड भी बनाया। 23 वर्षीय सुमित हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया के माइकल ब्यूरिन ने जो है रजत पदक जीता है, उन्होंने 66.29 मीटर जीता फेंका था। और श्रीलंका के दुलन ने कांस्य पदक जीता। भाला फेंकने का खेल है ये, क्या होता है एक ट्रैक एंड फील्ड इवेंट होता है, जहाँ क्या होता है लगभग 2.5 मीटर यानी 8 फीट 2 इंच जो लंबे भाले है उसको फेंका जाता है, और भाला फेंकने वाले को पूर्व निर्धारित क्षेत्र में दौड़ने से गति मिलती है, यानी उसको क्या है दौड़ के जो है अपनी गति को मरा के जो है भाले को फेंकते हैं। और इस भाले की क्या होती है लंबाई, वो होती है 2.5 मीटर यानी तकरीबन 8 फीट 2 इंच। रिवीजन करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन 1 के साथ। पहला क्वेश्चन है कि किस केंद्र शासित प्रदेश ने फिल्म नीति 2021 के कार्यान्वयन को अपनी मंजूरी दिया, तो वह जम्मू और कश्मीर। भारत की किस राज्य सरकार ने श्रीलंका शरणार्थियों के लिए 317 करोड़ रुपये का जो है पैकेज उसकी घोषणा किया, तो वो किया तमिलनाडु ने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता समानता बंधुत्व है उसके आदर्श किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो है फ्रांस से। भारत का कौन सा राज्य देश के मेट्रस कार्यक्रम शुरू करेगा, तो कौन सा करेगा, तो है दिल्ली। ये BS सीरीज क्या है, तो ये उसके फुल फॉर्म होती है भारत सीरीज, जो क्या होती है राजमार्ग परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने जो जारी किया है BS कोड जारी किया है वाहनों के लिए, एक नया कोड जारी किया है BH सीरीज यानी भारत सीरीज। वैज्ञानिकों के मुताबिक जिस एस्ट्रॉइड ने पृथ्वी से डायनासोर का अंत किया है उसे किस नाम से पहचान मिली है, तो वो मिली है चक्सुलुब प्रभाव के नाम से। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले साथियों के लिए लेके आए हैं हम सारथी ऐप, और इस सारथी ऐप में आपको मिलती है ढेर सारी क्विज सभी सब्जेक्ट की। इसके अंदर आपको क्विज कराई जाती है, मेरे द्वारा भी आपको इसमें क्विज कराई जाएगी, और मेरे क्विज का जो चैनल होगा वो होगा विजुअल क्लासेस इसके नाम से जो है इसके ऊपर चैनल है, तो फटाफट सारथी ऐप को डाउनलोड कर ले और मेरे द्वारा कराई गई क्विज वीडियो सॉल्यूशन और PDF फाइल भी फ्री में प्राप्त करें, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कोई आपको उसका चार्ज नहीं लेगा, तो फटाफट डाउनलोड कर ले। लिंक आपको दे रहे हैं नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक से ही डाउनलोड करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इस लिंक को शेयर भी कर देंगे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एपिडेमिक डायरेक्टर ऑफ HSBC एशिया। जो HSBC एशिया है उसके स्वतंत्रता निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो वो किसे किया है रजनीश कुमार को, किसे किया है रजनीश कुमार को। ये KSB के पूर्व अध्यक्ष रह चुके रजनीश कुमार को जो है द हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन है उसका जो है एशियाई इकाई का एक स्वतंत्रता निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है 30 अगस्त को। उन्हें अपने कंपनी के लेखा परीक्षा समिति और जोखिम समिति के सदस्य के रूप में भी नियुक्त किया गया है। वह भारतीय स्टेट बैंक में 40 साल के सेवा के बाद जो है अक्टूबर 2020 में अध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। और ये एक क्या हांगकांग में सबसे बड़े बैंक HSBC की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, और ये पूरे भारत प्रशांत क्षेत्र और दुनिया भर के अन्य देशों में शाखाओं और कार्यालयों का जो है क्या संचालन करती है। वेन इज नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन ऑन इंडिया। भारत में जो राष्ट्रीय खेल दिवस है वो कब मनाया जाता है,
तो कब मनाया जाता है 29 अगस्त को, प्रतिवर्ष 29 अगस्त को। 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इस दिन को 2012 में पहली बार भारत में उत्सव के दिनों की सूची में शामिल किया गया है। और यह दिन हॉकी दिवस हॉकी के दिग्गज ध्यानचंद सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन विभिन्न आयु वर्ग के लोग मैराथन, कबड्डी, बास्केटबॉल, हॉकी आदि खेलों में भाग लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर हैज़ बीन ऑनर्ड विद राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020? जो राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार है 2020, उसे किस लेखक को सम्मानित किया गया? तो उस लेखक का क्या नाम है जिन्हें 2020 का जो राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो उनका नाम है डॉक्टर चंद्रशेखर अबार है। उन्होंने जो है नेपाली राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2000 है उनको अपनी स्वीकृति प्रदान की है। और ये प्रख्यात जो नेपाली लेखक हैं शंकर देव ढाल, उनकी कृति जो है किराए को के लिए, और प्रख्यात राजस्थानी लेखक भंवर सिंह सामोर को उनकी कृति संस्कृति संतान दीट के लिए पुरस्कृत किया गया। तो किनको किया गया है राजस्थानी कृति के लिए, तो वह भंवर सिंह को। राइट आंसर क्या होगा इसके अंदर, भंवर सिंह को, भंवर सिंह सामोर को जो है ये 2020 का राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है इस लेखक को। क्वेश्चन नंबर 5, विच पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB टू हेल्प डेयरी फार्मर्स? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने डेयरी किसानों की मदद के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो है ई गोपाला को। राइट आंसर क्या होगा, ई गोपाला को। डेयरी किसानों की सहायता के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा विकसित किए ई गोपाला एप्लीकेशन का वेब संस्करण शुरू किया गया है। और एक बयान में कहा गया है कि ई गोपाला एप्लीकेशन और IMP वेब पोर्टल का वेब संस्करण शुरू कर दिया गया है। और ये वेब पोर्टल डेयरी पशुओं की बेहतर उत्पादकता के लिए डेयरी किसानों को रियल टाइम डेटा उपलब्ध कराएगा। देखते हैं आज का सवाल और से आंसर देने वाले विजेताओं के नाम। आज का क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ए रिसेंट स्टेटमेंट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑफ इंडिया, व्हाट परसेंटेज ऑफ एलिजिबल एडल्ट्स इन इंडिया हैव रिसीव्ड एट लीस्ट ऑन वन डोज ऑफ COVID-19 सो फार? भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के एक हालिया बयान के अनुसार भारत में कितने फीसदी जो पात्र वयस्क हैं उनको अब तक जो है COVID-19 की कम से कम एक खुराक लग चुकी है? तो कितने को लग चुकी है वो आपको बताना है। परसेंटेज आपके सामने दिए जा रहे हैं, 70%, 40%, 60% या 50% लोगों को जो है ये खुराक लग चुकी है। तो फटाफट आंसर दें और सही आंसर देने वाले विजेताओं के नाम देंगे अगली वीडियो में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 6, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू प्रोवाइड फ्री वाटर टू द पीपल? लोगों को मुफ्त पानी देने वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन बन गया? तो कौन बनाया, तो किस राज्य ने जो है लोगों को मुफ्त पानी पीने के लिए देने वाला देश का अब तक का पहला राज्य बनाया? तो कौन बनाया हुआ है, गोवा। और गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, उन्होंने कहा कि लोगों को मुफ्त पानी देने वाला देश का ये पहला राज्य होगा, हम इस पानी को बर्बाद नहीं करेंगे, हम मुफ्त पानी पीने के लिए पानी बचाना चाहते हैं। वहीं हाल ही में गोवा सरकार का गोवा भूमिपुत्र अधिकारिणी बिल 2021 अपने नाम के कारण विवादों में था। ऐसे में राज्य के कुछ समुदायों की तरफ से जारी विरोध को बढ़ता देख सरकार ने बिल से भूमिपुत्र शब्द हटाने का जो है फैसला किया है। विच इंग्लैंड फास्ट बॉलर हैज रिसेंटली डिसाइड टू लीव हिज कंट्री एंड गो टू अमेरिका टू प्ले मोजर क्रिकेट लीग? हाल ही में इंग्लैंड के किस गेंदबाज ने अपना देश छोड़ के मेजर क्रिकेट लीग खेलने के लिए अमेरिका जाने का जो है फैसला लिया? तो उनका नाम क्या है, लियाम प्लनकेंट। राइट क्या होगा नाम, लियाम। सही आंसर होगा बी, इंग्लैंड के एक तेज गेंदबाज है लियाम, उन्होंने अपना देश छोड़ने का फैसला किया है।
लियाम साल 2019 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम इंग्लैंड का हिस्सा रह चुके हैं। इंग्लैंड का ये खिलाड़ी अब मेजर क्रिकेट लीग के लिए अमेरिका का रुख करेगा। लियाम इंग्लैंड के लिए 89 वनडे मैच खेल चुके हैं और विश्व कप 2019 के फाइनल में उन्होंने न्यूजीलैंड के 3 जो है बल्लेबाजों को आउट भी किया था। और विश्व कप के जिन 7 मैचों में लियाम खेले थे उन सभी में इंग्लैंड को जीत मिली थी। इस दौरान उन्होंने क्या है, इन 3 मैचों में टोटल उन्होंने 11 विकेट अपने नाम किए थे। देखते हैं आज की मोटिवेशन लाइन कि उन लोगों के साथ हमेशा घूमो जो आपको ऊपर उठाने के लिए मजबूर करें, यानी आपको मोटिवेशन करने के लिए प्रेरित करें, आपको फोर्स करें कि आप जो है अच्छा करो और ऊपर उठो, बढ़िया करो। तो उसके लिए आपको जो मजबूर करें उन लोगों के साथ रहे, ना कि उन लोगों के साथ जो आपको चापलूसी करें, आपको नीचा ले जाने का काम करें। तो उन लोगों के साथ हमेशा रहे जो आपको ऊपर उठाने का काम करें। पिछली उड़ी का क्वेश्चन देखते हैं, विच मेडल डिड इंडिया अवनी लखेरा विन द फाइनल मैच ऑफ द वुमेन्स 10 एयर राइफल एट द टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत की अवनी लखेरा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल के फाइनल मैच में कौन सा पदक जीताया, तो वह स्वर्ण पदक। सही क्या आंसर होगा, गोल्ड मेडल उन्होंने जीता है और सही आंसर था ये। जिन्होंने से ए आंसर दिए उनके नाम है सोहन कुमार, सीमू लोधी, मौसम कुमारी, कुशाल दराना, चिनम्या नायक, शरण कुमार, रोहित मिश्रा, प्रीति संस्था, हिट शॉट्स, रुशान निराला। आप सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद है तो वीडियो को आप लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो बेल आइकन के साथ, ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले, किसी वीडियो को आप मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।